नमस्कार दोस्तों, चलिए इसको और हम डिटेल से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले इस आईसी में जो वोल्टेज इन हो रहे हैं, यहाँ पे 12 वोल्ट। ये 12 वोल्ट इन होने के बाद इसमें जो एबीडीडी वोल्टेज बनाए जा रहे हैं, यहाँ पे जो बूस्टिंग कॉयल लगा हुआ है, यहाँ पर आपको केयर करने वाली बात ये है कि ये जो वोल्टेज इन हो रहे हैं 12 वोल्ट, अब यहाँ पर वोल्टेज इसको जो ये गामा वोल्टेज हमारा यहाँ तक जा रहा है, इस वोल्टेज को बूस्ट किया जाता है, यानी इस 12 वोल्ट से इसको और बढ़ाया जाता है। अब इसका रीज़न क्या है बढ़ाने का, इसको हम यहाँ पर समझते हैं। क्योंकि ये फिक्स भी वोल्टेज यहाँ पर दिया जा सकता था, कि जैसे कुछ लोग को दिमाग में ये होगा कि यहाँ पे ये वोल्टेज इतना ही मतलब देना है, जैसे हमारा 15 वोल्ट, तो कहीं से भी देते हैं 15 वोल्ट। नहीं, इसका पहले इसके काम को आप समझें, क्योंकि कोई भी चीज़ डिज़ाइन होता है तो उसके कुछ फंक्शन होते हैं, उस फंक्शन को समझना पड़ता है। जब हम उसके फंक्शन और सिस्टम को समझते हैं तो उसके अनुसार उसके जो है रिपेयरिंग या उसका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में जो है काफ़ी हेल्प मिलता है। तो चलिए समझते हैं। देखिए, यहाँ पे ये जो कॉयल लगा हुआ है, इसके बाद यहाँ पे जो वोल्टेज हमारा एबीडीडी सबसे पहले बनेगा, इसके इंटरनल इसके एबीडीडी को जनरेट किया जाएगा। ये वोल्टेज जनरेट होने के बाद यहाँ फिर से इन हो रहा है, ये वोल्टेज एबीडीडी, ये इसमें एक और दो नंबर पिन से इन होगा। अभी इंटरनल इसमें जो गामा वोल्टेज जनरेट होगा वो आउट होगा यहाँ से, इसकी आखिरी पिन से, यहाँ से लास्ट वाले पिन से ये आउट होकर ये यहाँ से सीधे इस पे जाएगा। लेकिन इसकी वोल्टेज की सेंसिंग, यानी ये जो वोल्टेज यहाँ पर जा रहा है, ये गामा वोल्टेज, इसका सेंस इस रेजिस्टेंस के द्वारा, यहाँ पर एक डिवाइडर सर्किट बनाया जाता है, जो कि एक रेजिस्टेंस ग्राउंड होता है और एक रेजिस्टेंस इस वोल्टेज को सेंस कर रहा होता है। इस दोनों के बीच में एक जो है यहाँ पे 1.2 वोल्ट यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है, जो कि इस आईसी को इंफॉर्मेशन के रूप में दे दिया जाता है, जिसे बोलते हैं फीडबैक, वोल्टेज रेफरेंस फीडबैक। फीडबैक मतलब इसी वोल्टेज का ये सेंस करता रहता है। जैसे इस पे वोल्टेज पे लोड पड़ता है, इस पे इसको ऐसे हल्का मत समझिए, जो रेजिस्टेंस की डिज़ाइन की गई है, जैसे हमने बताया है, इसमें बहुत ही समझ लीजिए इसकी क्वालिटी है, डिपेंड करता है इस सारे रेजिस्टेंस और ये सारे जो वोल्टेजेज हैं। क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो प्रोग्रामेबल जो एक गामा वोल्टेज का आईसी होता है, उसमें सॉफ्टवेयर के द्वारा वो सारी चीज़ें जनरेट की जाती हैं, तो उसमें ये सारी प्रॉब्लम नहीं होता। जो ये हमारा जो रेजिस्टेंस का वेरिएशन चेंज होना, उसमें सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड होता है। उसमें अगर कोई भी अगर करप्टिंग होता है तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होता है, तो हम उसको भी समझेंगे प्रोग्रामेबल वाला। लेकिन यहाँ सबसे पहले इसके एनालॉग को समझते हैं कि ये देखिए, ये जो वोल्टेज यहाँ पे आएगा यहाँ से, और यहाँ से होने के बाद यहाँ पे जो ये हमारा ग्राउंड, अब ग्राउंड और ये इसका जो वोल्टेज है, अब ये दोनों के बीच में एक प्रेशर क्रिएट होता है, जिसे हमने बताया था कि रेजिस्टेंस को लेकर जो एग्जांपल दिए थे कलर में, अब उसको यहाँ पर देखने की ज़रूरत है। जैसे मैंने बताया था कि ग्राउंड लेवल और जो है स्काई लेवल का जो 0 से 9 का रेशियो बताया था, उस रेशियो को देखिए। इस रेशियो को इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ रेजिस्टेंस और ये जो बीच में इसकी वोल्टेज की जो पॉइंट बनी है, इसलिए बताए थे कि सारा फंडामेंटल ये पिक्सल का जो इसी बेस पे है, क्योंकि हमारी आँख जो स्कैनिंग करती है, देखिए रुक रुक के ब्लिंक करता है, जो रिसेट होता रहता है आँख, ये सारे सिस्टम इसी के अकॉर्डिंग ये सारे डिज़ाइन है, ठीक है। वो पहले देखिए, कोई भी चीज़ आती है तो तुरंत जो है उसका टॉप मोमेंट नहीं होता है। स्टार्टिंग में जैसे ब्लैक एंड वाइट था, कलर था, उसके बाद जो है एलसीडी था, एलईडी था, प्लाज्मा भी बीच में, और इस समय जो टेक्नोलॉजी है, अब हम उसको समझने की ज़रूरत है। यानी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की इंक्रीजिंग बढ़ती गई और इसमें इम्प्लीमेंट होते गए, तो उस सारे लेवल को समझना चाहिए। क्योंकि आपके पास कोई भी अगर सिस्टम आते हैं, तो अगर महंगे सेट हैं, तो अगर आपका ये सामने, मतलब आपके सामने अगर ये प्रॉब्लम आ गया गामा से रिलेटेड, आपने उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू ठीक से नहीं मालूम है, और आपने उसे किसी तरीके से चला दिया, पिक्चर आ गई, लेकिन पिक्चर की वो क्वालिटी नहीं बन पाई नेचुरल जो पहले थी, यानी उस कैसेट की,
और अगर सेट महंगे हैं, 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए के सेट हैं, तो वहाँ पे नॉलेज ज़रूरत होता है इसका कि सॉलिड ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। उसके बीच आप भले ही इसके एक ही रेजिस्टेंस को, आप फॉल्ट को निकालेंगे तो इसके भी पैसे मिलते हैं। ऐसे नहीं कि एक हम कोई भी सामान नहीं लगाए, एक रेजिस्टेंस आपने जो 1 लाख के सिस्टम को सॉल्व किया है उस पे भी नॉलेज का यहाँ पे जो है इसके पैसे मिलते हैं। तो ये नॉलेज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसका जो उस कस्टमर का जो सिस्टम है वो चीज़ें बेकार नहीं होगी, तो हमको उसके सिस्टम को भी जानना ज़रूरी होता है। जैसे बहुत सारे इस समय प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, उसमें बहुत सारे फीचर हैं, हमारे मोबाइल में भी बहुत सारे फीचर हैं, उनको हम यूज कैसे करें। जब हम उसके टेक्नोलॉजी को, सिस्टम को समझेंगे कि इसलिए काम करता है, कैसे काम करता है। हम और एग्जांपल लेंगे, हम इन्वर्टर का जो वीडियो अभी अपलोड करेंगे कल या शाम तक में, उसमें हमने जो है सिस्टम को समझाया है, तो हम उसको आप ध्यान से समझें कि कैसे सिस्टम वर्क करता है एक बैटरी और इन्वर्टर के बीच। अभी यह तो हमको लगता है कि खाली चार्जिंग और बस उसका बैकअप का ही है, नहीं उसमें और भी है। आपको हम सिस्टम के बारे में समझाएंगे, उसमें टेक्नोलॉजी क्या होता है पहले उससे समझें, क्योंकि पहले वाला भूल जाइए, अब वो अपने हाथ में नहीं है। जो इस समय टेक्नोलॉजी आ रही है उस चीज़ को समझना है, यूज करना है। अब देखिए ये जो यहाँ पे बन रहा है तो ये प्रेशर क्रिएट हो रहा है। प्रेशर मतलब जिसे आप एक ले लीजिए स्प्रिंग, मान लीजिए जैसे ये है, इसी को ये थोड़ा वो है, जैसे ये देखिए ये समझ रहे हैं, जैसे ऐसे ये प्रेशर मतलब जो हमारा ये गामा वोल्टेज बनता है, तो गामा में क्या है कि ये सोर्स यानी ये जो हमारा कॉलम होता है और एक रॉ होता है, तो रॉ हो गया हॉरिजॉन्टल, जैसे ये हमारा स्क्रीन है और ये गामा वोल्टेज है, ये सारे अब ये सारे वोल्टेज जो निकल रहे हैं ये चूँकि कफ आई सी में जाता है, कफ आई सी में ये गेट गेट वाइज जो है उसमें जैसे नैन गेट और आर गेट नॉर गेट ये सब अगर जो जानते होंगे उसको समझते होंगे, उसके इंटरनल कफ में ही इसकी स्विचिंग होती है। जैसे हमारा वर्टिकल और हॉरिजेंटल दो चीज़ों में मिलकर जो है डिजाइन होता है, उसके बाद पिक्सल ऊपर से होता है, जैसे पोलराइजर शीट जो ऊपर लगे होते हैं कलर का, और उसके बीच का जो फंक्शन है उस चीज़ को आप समझेंगे तो बारीकी से समझ पाएंगे हम। चलिए आपको इजी ऑप्शन में बताते हैं, जैसे ये ब्लॉक है इसे पिक्सल समझ ले, ठीक है, और ये हो गया हमारा ये कॉलम यानी वर्टिकल, और ये हो गया हॉरिजॉन्टल। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल में क्या हुआ, गेट ड्राइव, और इसमें क्या हो गया, सोर्स ड्राइव। तो ये सोर्स ड्राइव मतलब ड्राइवर मतलब चलाना, तो जैसे ये हमारा चल रहा है क्या नाम है गेट, गेट वाला जो स्विचिंग जो हमारा एक लाइन एक एक लाइन बनता है ऊपर से नीचे तक हॉरिजॉन्टल, तो ऐसे सेम यहाँ भी ड्राइव होता है, इसे बोलते हैं सोर्स ड्राइव वर्टिकल का। तो जैसे ये भी चलते हैं ऐसे ये भी चलते हैं, दोनों चल के जो पिक्सल पे इफेक्ट पड़ता है उसी के अनुसार हमको पिक्चर दिखाई देता है। और ये सारा सिस्टम हमारे बिहेव पे ही बना हुआ है, आँख की जो स्कैनिंग होती है, जो हमारा रेटिना होता है वो जो स्कैन, आप यहाँ पे जितने मूवमेंट आपको सारे चीज़ दिख रहे हैं कि रिफ्लेक्शन के द्वारा ही दिख रहे हैं कि हमारा ये रेज वहाँ पे जा रहा है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होके इमेज आ रहा है। तो ऐसे यहाँ पे जो ये पिक्चर बनते हैं उस पिक्चर की जो प्योरिटी होती है, क्वालिटी होती है, वो इस पे गामा पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है, गामा वोल्टेज पे, परफॉर्मेंस पे। इसलिए इसके एक एक रेजिस्टेंस की डिज़ाइन भी जो है इसी प्रकार से की जाती है, क्योंकि एक्यूरेसी जो है यानी रेशियो उसका जो पिक्चर का है वो बहुत ही परफेक्ट रहे, तो इसलिए इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण यहाँ यही है। और ये गेट ड्राइव में क्या होता है, ऑन ऑफ, इधर जो हमारा जो ये जो हॉरिजॉन्टल वाला है रॉ यानी किसी चीज़ को ऑन ऑफ कर रहा है, लेकिन जो नीचे से या हमारा ये सोर्स ड्राइव हो रहा है कॉलम का, उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि वहीं से जो है सारे कलर के डेटा जो हमारे RGB होते हैं इन हो रहे होते हैं, और उन्हीं के साथ साथ इनकी जो है मैचिंग भी होती है, उसे हम और आगे हम समझते हैं। लेकिन यहाँ पे ये समझाना ज़रूरी था क्योंकि ये जो वोल्टेज हैं, अगर आपका यहाँ पे वोल्टेज अगर अधिक हो गया तो भी ये प्रॉब्लम करेगा, तो आपको मालूम होना चाहिए 32 इंच में या किस पैनल पे कितने वोल्टेज यहाँ पे हैं। और मान लीजिए यहाँ पे अगर 15 वोल्ट हैं, ठीक है,
और यहाँ पे 16 यानी 16 होना चाहिए, जैसे कि हमने वीडियो में दिखाया है 15.94, उसे 16 ही समझ लें। तो अगर यहाँ 15 है तो एक वोल्टेज ड्रॉप है, अब एक वोल्टेज कम है तो उसे कैसे आप जानेंगे? इसके पास आपके पास ये होना चाहिए कि इस जो है इस पैनल पे या इस सोर्स पीसीबी में इस एलजी के 32 इंच में जो है यहाँ पे ये 16 वोल्ट होना चाहिए। और आपने देखा पिक्चर भी आ रहा है इसलिए आपने उसे केयर नहीं किया, लेकिन पिक्चर की क्वालिटी ज़रा सा आप ध्यान से देखते तो कि पिक्चर डल है, कि पिक्चर में जो क्रिस है वो कैसा है, चमक है, वो कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो उन सारी चीज़ों को देखते तो आपको इफेक्ट जाएगा यानी ध्यान जाएगा इसका गामा पे। तो गामा के वोल्टेज को रीड आउट करेंगे, अगर ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा तो भी पिक्चर, जैसे हमने अभी कुछ दिन पहले सैमसंग का एक वो सैमसंग था या कोई था, अभी जल्द ही आप उस पर जाकर देखिएगा, जिस पे हमने जो है इसमें एक पैनल बूस्टर यूज़ किया है, पैनल बूस्टर पे जो है ABDD वोल्टेज को इसको उस पर कम या अधिक करके दिखाए हैं एक प्रीसेट के द्वारा। जब वहाँ पे हम वोल्टेज को कम कर रहे थे तो क्या हो रहा था, ये पिक्चर जो है एक साइड से जो है जैसे कई कफ लगे हैं, यानी एक कप यहाँ पे हो गया तो जिसका एरिया इतना कवर करेगा, दूसरा कप हो गया तो इतना कवर करेगा, तीसरा हो गया तो इतना कवर करेगा। तो इसमें से क्या होता था कि जैसे हमने केवल एक दो वोल्टेज ड्रॉप करते थे तो स्क्रीन इतना ही तक आता था। अब बहुत सारे सेटों में है, अगर जिसे जानकारी नहीं है और वोल्टेज ये ड्रॉप है और पिक्चर केवल इतना से इतना एरिया में बन रहा है और इधर नहीं बन रहा है, तो उसको डाउट जाएगा कि ये वाला हमारा कफ खराब है, लेकिन ऐसा नहीं है, कफ खराब है क्योंकि इसके वोल्टेज के जो प्रेशर हैं ये इसकी बूस्टिंग इसीलिए की ही जा रही है कि एक दबाव कि जैसे जो जो ज़रूरत लगे तो उसी प्रेशर से उतना स्पेस, 12 वोल्ट के बाद जो 16 वोल्ट बन रहा है वो 4 वोल्ट जो है इसके जो यहाँ पे इसका वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है उसे कवर करने के लिए ही ये बूस्ट किया जाता है, कि जैसे यहाँ पे ड्रॉपिंग होगा, जैसे इसको सूचना IC को मिलेगी, जैसे ये तुरंत फिर से जो है यहाँ बैलेंस कर लेगा वोल्टेज, फिर यहाँ पे ड्रॉप होगा, फिर इस रेजिस्टेंस के द्वारा सूचना मिलेगी, फिर इसे ड्रॉप की सूचना जाते ही फिर ये जो है इंटरनल यहाँ से आउट करके इस वोल्टेज को बैलेंस कर लेगा। ये कंटिन्यू ऐसे इसकी जो है वो चलती रहती है साइकिल, जिससे यहाँ पे पिक्चर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे बहुत ही डार्क इमेज बन रहा है, अब उस समय इसके गामा वोल्टेज की ड्रॉपिंग बहुत तेज इस पिक्सल पे इस एरिया मूवमेंट में होगा, तो अगर इस मूवमेंट में होगा तो वोल्टेज ड्रॉपिंग हो, अगर लोड पड़ेगा पिक्सल पे तो इस पे वोल्टेज पे इफेक्ट पड़ेगा, वोल्टेज पे इफेक्ट पड़ेगा तो ड्रॉप होगा, ड्रॉप होगा तो यहाँ से भी इसके ड्रॉपिंग जाएगी, ये ड्रॉपिंग की सूचना इसके इंटरनल जाएगा, इंटरनल जाएगा तो इसकी स्विचिंग बढ़ा दी जाएगी, फिर ये जो है अपना कवर कर लेगा, क्योंकि यहाँ से ये जो बन रहा वोल्टेज है इसे बराबर कंटिन्यू मतलब रीड करता रहा है। तो ये सब सारी चीज़ों को हम आगे और भी डिटेल समझेंगे, इतना हमारे दिमाग में था तो हम जो है रात में दिमाग में आया तो हम कह कि इसको और बढ़ा के बता दें कि ये इस हिसाब से ये काम करता है, इसे हम और ओपनली जब उस पे कफ और दोनों को एक साथ में रखते हैं और वोल्टेज को टेस्ट आउट करके और पिक्चर के इफेक्ट को दिखाते हैं। वैसे आप उस वीडियो को देखिएगा जिसमें हमने अलग से एक पैनल बूस्टर यूज किया है, जब आप देखेंगे प्रैक्टिकली देखेंगे और इसके मैचिंग को समझेंगे तो हमारी बातें आपको और क्लियर समझ में आएंगी। इसमें कहने का जो मतलब है कि अब जो टेक्नोलॉजी है, अब आप बिना बैक लाइट के भी कहीं भी स्पेस को रोक के, जैसे ये व्हाइट लेबल है तो टेक्नोलॉजी के मदद से व्हाइट लेबल को कंप्लीट पिक्चर को देख सकते हैं कहीं भी स्टैंड करके, चाहे जहाँ पहले था नाइट में, अब आप जो है डे में भी जो है उस पिक्चर को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत जल्द ही आपको सामने देखने को मिलेंगे, जैसे हमने ये अभी उस पर दो वीडियो पहले बताया था होलोग्राफी टेक्नोलॉजी है, तो होलोग्राफी टेक्नोलॉजी में भी बहुत इम्प्रूवमेंट बाकी हैं, और जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी के इम्प्लीमेंट होंगे तो ये सारी चीज़ें, अब क्या था कि पहले बहुत देर लगते थे, अब वो सारी चीज़ें देर नहीं लगेंगी, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। समझने से क्या होता है कि जो पिक्चर के इफेक्ट होते हैं जो हमको अच्छे लगते हैं, यानी आप देखिए अपने मोबाइल पे जिसकी स्क्रीन अच्छी होती है, किसी किसी में देखिए पिक्चर तो दिखता है लेकिन आँख में चुभता है, और किसी किसी में देखिए बहुत ही परफेक्ट पिक्चर दिखाई देता है जिसे स्मूथनेस कहते हैं,
तो ऐसे हर चीज़ में वोल्टेज का स्मूथनेस और हार्डनेस दोनों चीज़ें होती है, डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है। ये आप सोनी से कंपेयर कर सकते हैं उनकी क्वालिटी और अदर चीज़ों की। तो जैसे किसी में पैसे भी लगते हैं तो उसके क्वालिटी और डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी के पैसे लगते हैं, और आर्डनरी जो होता है नॉर्मल तरीके से, हमको लगता है कि इसमें उसमें डिफरेंस क्या है, लेकिन बहुत सारे डिफरेंस होते हैं प्राइस को लेकर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। इसके पहले की वीडियो आप लोगों ने काफ़ी मन से देखा है, उस पर मैंने देखा है वॉच टाइम, तो इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। हम और इसके बारे में बताते हैं, जो प्रोग्रामेबल हमारा जो आईसी होता है उसमें गामा वोल्टेज कैसे जनरेट होते हैं और कैसे काम करते हैं उसको भी हम समझेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।